सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय देता हूं। पहले मैं राजन श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, उद्यमिता विकास एवं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देश में बहुत ही बेरोजगारी है, लॉकडाउन और बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बना के आपको जानकारी दे जिससे आप जीवन में सदा सफल हो। हम आगे बढ़ें उसके पहले मित्रों आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे जो लोग भी हमारे वीडियो को देखें उनको अपने विकास के बारे में, कुछ नया करने के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में जानकारी हो जाए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, इसलिए वीडियो को मिस ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। लंबा वीडियो है लेकिन देखिएगा जरूर। इसके देखने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह का एक मोटिवेशन आएगा, आपको एक तरह से आपको एनर्जी मिल जाएगी कि वास्तव में हमने जो कुछ बताया उससे आप स्वरोजगार का क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल लाइन में जाते हैं, बीए करते हैं, बी काम करते हैं और तरह तरह के टेक्निकल कोर्स करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की अच्छी शिक्षाएँ लेते हैं, लेकिन जब शिक्षा ख़त्म हो जाती है तो ज़्यादातर लोग नौकरी की तरफ आते हैं। नौकरी कहाँ है, नौकरी में बहुत कंपटीशन है, 100 नौकरी है तो उसमें कुछ रिजर्व भी है, उसके बाद आपके लिए बचता है, रिजर्व भी जरूरी है क्योंकि जो बेचारे जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, ऐसे जात के उनके लिए भी कुछ अलग से सरकार ने कोटा बना दिया है, तो जो सीटें बचती हैं उसमें कंपटीशन होता है और जो सीटें रिजर्व हैं उनमें भी कंपटीशन होता है। मतलब इतना कंपटीशन हो गया है कि आप नौकरी के लिए बहुत प्रयास किए और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिला। तो जब आपको नौकरी नहीं मिला तो होता क्या है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आपने मान लीजिए 26 साल तक अपनी शिक्षा पूरी कर ली, 24 साल में अपनी शिक्षा पूरी कर ली, उसके बाद आप 5-6 साल मेहनत करके नौकरी के लिए प्रयास करते हैं और अगर आपको नौकरी नहीं मिली, 30-32 साल आपने गुजार दिया, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है आपको जीवन में सफल होने नहीं देता है, क्योंकि फिर कोई भी काम करने में आपको डर बना रहता है और ऐसे होने पे काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मेरा ये लेक्चर युवाओं के लिए, बेरोजगार युवक के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए सारे बेरोजगार हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। जीवन में सफल होना है तो हमारा जो ये लेक्चर होने जा रहा है उसको अपने अंदर ढाल लें। जीवन में सफल होना है तो हमारे इस लेक्चर को अपने अंदर उनको ढाल लेंगे तो सफल हो जाएंगे। हमारी बातों को, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी बेरोजगार हैं, पहले शिक्षा ले लीजिए, आपको इंजीनियरिंग की शिक्षा ले लीजिए, MBA कर लीजिए, अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, लेकिन एक मेंटली आप बना लीजिए कि आपको कोई अपना काम करना है। देखिए अपना काम करने वाले को मालिक कहा जाता है, इसको आप इस लाजिक को आप जान लीजिए। जो अपना काम करता है वो क्या होता है, मालिक होता है, और जो दूसरों के काम करता है वो चाहे जितने बड़े पद पे होता है वो नौकर कहा जाता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे मालिक बनते हैं, नौकर नहीं बनते हैं। अंबानी साहब के बच्चे मालिक बन रहे हैं, अंबानी साहब अगर 100 फैक्ट्री खोले हैं तो उनके बच्चे 1000 फैक्ट्री खोलने के लिए प्रयास करते हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो अपने बच्चों को मालिक बनाते हैं, शुरू से ऐसी उनको शिक्षाएँ देते हैं, पूरा बिजनेस व्यापार के तरीकों में ढाल देते हैं। मुझे याद है मेरा एक मित्र
मेरे साथ पढ़ा था, पढ़ने ही बहुत अच्छा था, उसकी ट्रैक्टर की बहुत बड़ी एजेंसी थी उसके फादर की। इंटर पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन मेरे साथ करने के लिए आया, लेकिन वो ज़्यादातर ध्यान अपनी दुकान पर बैठने में लगाता था। कहता था कि मेरे फादर ये कहते थे कि बैठोगे तो वो सीखोगे, क्योंकि यही काम तुमको कल करना है। तो जो व्यापारी के बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही सब सिखाया जाता है कैसे क्या किया जाए, और धीरे धीरे फिर वो अपने फादर, अपने परिवार में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनसे भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इच्छा देने में ग्रह सूखा करता है तो जल की आवश्यकता होती है। मेरी सारी थोड़ा था लेक्चर देने में आप लोगों को, भाई जब तो जरूरी है। तो आज मैं शुरू से बताऊंगा आपको बिजनेस करना, ये डिसाइड कर लीजिए। व्यापार करना है ये एकदम डिसाइड कर लीजिए, और गार्जियन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को मालिक बनाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है, देखिए आज मैं बता रहा हूँ, ये धारणा खत्म कर दीजिए कि जो व्यापारी के बच्चे हैं, बिजनेसमैन के बच्चे हैं, वही इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये गलत धारणा है। कोई भी काम कर सकता है, हर आदमी के अंदर क्षमता होती है काम करने को, आपको पता नहीं है। जब आप करने जाएंगे तो आप भी बहुत बड़ा काम कर लीजिएगा। तो पहले तो आप ये मन में से हटा दीजिए कि जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं वही काम कर सकते हैं, और जो पैसे वाले हैं वही व्यापार कर सकते हैं। ये धारणा एकदम गलत है। कोई भी किसी काम को कर सकता है, ये मन में तब ठान लीजिए। धीरू भाई अंबानी साहब जो हैं, उनके परिवार में कोई व्यापार नहीं करता था, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी विरासत खड़ा कर दिया। सोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई बड़ा काम करना है, आपको मालिक बनना है। पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जितने गार्जियन मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं वो इस बात को बच्चों के अंदर, बच्चों की शिक्षा तो देना जरूरी है, शिक्षा बढ़िया दें, और लेकिन उनके दिमाग में डालते रहें तुमको कुछ अपना अलग एक व्यापार खड़ा करना है, तुमको मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। कोई भी काम करिए लेकिन मालिक बनिए, नौकर नहीं बनिए। आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मालिक बनिए, नौकर ना बनिए। दूसरों का काम ना करिए, अपना काम करिए। अब आपको हम ये बताएंगे कि आपने एक मेंटली बना लिया कि आपको बिजनेस व्यापार, ये मेंटली आपने बना लिया कि बिजनेस व्यापार करना है। अब आपने ये देखा होगा कि बहुत लोग बिजनेस व्यापार करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, उसके बहुत से रीजन होते हैं, उसमें बहुत सी कमियां होती हैं। तो आप अगर शुरुआती दौर से उस कमियों को दूर करते चलेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए, आप अपनी क्षमता को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब क्षमता पहचानने के लिए गार्जियन भी हमारी बात को ध्यान से सुने, अपने बच्चे के अंदर इसको ढालने का प्रयास करिए। जैसे मैं आज आपसे ये कहूँ, आप 24 साल के हो गए हैं, 22 साल के ये हो गए हैं, मैं ये आपसे कहूं कि आप एक निबंध लिखिए, तो आप लोग पूछिएगा सर किस पर निबंध लिखिए, तो मैंने कहा गांधी जी के बारे में लिखिए। आप सब लोग इसे शुरू कर दीजिएगा, गांधी जी हमारे महान पर्सनलिटी थे, राष्ट्रपिता थे, उनको कौन नहीं जानता, आप उनके बारे में पूरा लिख दीजिएगा, 100 में से 80 नंबर पाइएगा। मैं आपसे कहूँ कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखिएगा, उनके बारे में। मैं आपसे कहूँ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखिए, तो आप उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे कहूँ इंदिरा गांधी के बारे में लिखिए, आप उनके बारे में लिख दीजिएगा। मैं आपसे कहूँ सरदार पटेल के बारे में लिखिएगा, तो आप उनके बारे में पढ़ना लिख दीजिएगा। 80 नंबर पा जाइएगा, 75 नंबर पाइएगा, 95 नंबर पा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अपने बारे में लिखिए, मतलब दूसरों के बारे में अपने बारे में लिखिए, अपने बारे में एक निबंध लिखिए, और निबंध का टाइटल होना चाहिए मैं कौन हूं, मतलब आप अपने बारे में लिखिए और आपको उस लेख जो निबंध आपने लिखा है, जो अपने बारे में लिखा है, उसको अगर हम पढ़ें तो हम जान सकें आप क्या हैं।
सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एक बार आपकी जो कलम है गांधी जी के बारे में जो निबंध लिखने के लिए आपकी कलम की स्पीड तेज हुई थी, थोड़ा हल्की हो जाए, आप चिंतन करेंगे कि हम क्या हैं। तो देखिए बहुत ही बारीकी चीज मैंने आपको बताया कि लोग दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं अपने बारे में नहीं जानते। धीरू भाई अंबानी साहब अपने बारे में ज्यादा जानते थे, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी विरासत खड़ा कर दिया। तो जो अपने बारे में जानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बारे में लिखिए। कहानी की टाइटल है हू एम आई। आप सब लोग अपने बारे में लिखेंगे। अगर गांधी के बारे में आपको लिखने में 30 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, तो अपने बारे में लिखने में आप हमसे समय जरूर मांगेंगे। आप ये प्रयास करके लिखेंगे और लिखना चाहिए, रोज ही एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने बारे में आप लिखिए। जब अपने बारे में आप लिखिए, मैं तरीका बता रहा हूँ, रोज आप अपने बारे में लिखिए और चेक करिए। अपने बारे में लिखिए और फिर ये चेक करिए कि हमारी क्या क्या, हमने अपने बारे में जो अलग से हमारी जो क्वालिटीज है वो उसमें दिखेगी। जब पहली बार लिखिएगा तो उसमें दिखेगी। जैसे मान लिया आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपको उसमें आ जाएगा कि हमें गुस्सा बहुत आता है। अगर आपका कोई गोल डिसाइडेड नहीं है, लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है, उसमें भी डिसाइडेड नहीं है, क्या फिर आप कभी लिख सकते हैं आई एस बनना चाहते हैं, बिजनेस बनना चाहते हैं, फिर आप लिख सकते हैं अगर ये नहीं बनेंगे तो कुछ व्यापार बिजनेस करेंगे, व्यापार भी बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा है। बहुत सी चीज़ है उसमें आप आ सकता है कि आप जो अपने बारे में लिखिएगा तो उसमें आप पढ़िएगा तो समझ में आने लगेगा कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता है, मैं सफल नहीं होता हूँ तो डर जाता हूँ, मुझे जोखिम लेने से डर लगता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। तो आप सब अपने बारे में लिखिए और उसको लिख लीजिए और इस लाइन को फिर निकाल लीजिए, जितने जितने आपके बारे में जो गुण आ रहा है उनको अलग से लिख लीजिए और उसको रख लीजिए। फिर आप क्या करिए, मार्केट में ऐसी बहुत सी किताबें मिलती हैं, मार्केट में ऐसी बहुत सी किताबें मिलती हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जो उद्योगपति हैं जो नीचे से बहुत आगे बढ़े उनके बारे में लिखा रहता है। आपने अपने बारे में लिखा अलग से, आप आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको अलग से आपने नोट कर लिया। अब मार्केट में जो बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति हैं, ऐसे पर्सनालिटी जो बहुत आगे बढ़े हैं, जो शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं, उनकी किताबें मिलती हैं, उनकी किताबों से आप ये पता लगाइए कि उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे काम होता है उसको अलग से पेज पर नोट करते हैं। और फिर आप ये स्टडी करिए कि इनके अंदर कौन से गुण होते हैं और हमारे अंदर कौन से गुण होते हैं। आप देखिए बहुत ही अंतर आएगा, क्योंकि वो जो अंदर क्वालिटीज थी, जो अंदर गुण था, वही आपको आगे बढ़ा दिया, उसको आगे बढ़ा दिया, उस व्यक्ति उस पर्सनैलिटी को आगे बढ़ा दिया, आपको उस पर्सनैलिटी को आगे बढ़ा दिया। आपके आगे, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे कहने का मतलब, आपके अंदर कुछ खास गुण होता है तभी आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आप जब स्टूडेंट लाइफ में होंगे तो कुछ बच्चे, आपने मान लीजिए बीए में एडमिशन लिया, तो कुछ बच्चे बीए पास करने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं चलो अच्छे नंबर आ गए, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करने का प्रयास करते हैं, और जो टॉप करने का प्रयास करते हैं लोगों से अलग होते हैं, उनको अपने एक एक मिनट का मूल्य मालूम होता है। तो आपके साथ जो लोग पढ़ने वाले होते हैं उनके बारे में अगर आप जानने का प्रयास करिएगा तो काफ़ी अंतर है। अब याद करिए, आप जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो जो लड़का टॉपर था उसका कुछ अलग व्यक्तित्व था, आपका कुछ अलग है। अब उस दिन को याद करिए तो आपको लगेगा। आप मार्केट में टहलिए, कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किराने की दुकान है, जल मच्छर की दुकान है,
तो कुछ बहुत दुकानें होती हैं हर शहर में, एक कुछ दुकानें ऐसे होती हैं जिसमें हर आदमी आगमन के सामान लेता है और उसके यहाँ भीड़ होती है। ऐसा क्यों होता है? उसने अपने आप को ऐसा बनाया है कि उसके यहाँ से वो रीजनेबल रेट बेस्ट क्वालिटी का सामान देता है, फिर उसके यहाँ भीड़ होती है, या फिक्स प्राइस है क्वालिटी रेट से क्वालिटी पर देता है, तो लोगों से अलग है इसलिए वो सफल है। लोगों से अलग नहीं होता तो वो सफल नहीं होता। तो सफल होने के लिए लोगों से अलग होना चाहिए। तो जब आप जीरो से शिखर पे पहुँचे, बहुत ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जानने का प्रयास करिए। मार्केट में इसकी किताबें उपलब्ध हैं, हम अभी आगे भी बताएंगे कैसे कौन से गुण होते हैं जो लोग सफल होते हैं। सफल होने के लिए कुछ खास गुण होते हैं। अब ऐसे बहुत से पर्सनालिटी हैं, आप टाटा साहब के बारे में मार्केट में किताब मिलती है, धीरू भाई अंबानी साहब के बारे में मिलता है, मुकेश अंबानी साहब के बारे में बहुत अच्छी किताबें हैं। आप जब मार्केट में तलाशिएगा तो अच्छे दुकानों पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी। सर तो मेरी बात समझ में आया? तो आप उनके गुणों को अलग से निकालिए और अपने गुणों से तालमेल करिएगा, आप देखिएगा बहुत से गुणों की कमी है। अब हम आपको बताएंगे गुण जो आप उन पर्सनालिटी के बारे में आप सर्च करिएगा, उनके गुणों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करिएगा, आप देखिएगा कि उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया, उनके जो गुण निकल के आएंगे उसकी हम थोड़ा शेयर कर रहे हैं आपसे। जब आप ऐसा करिएगा तो क्या देखिएगा कि उनके अंदर क्या है, उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि हमको क्या करना है। उन्होंने सोचा हम लोगों से अलग हटके काम करें, उन्होंने सोचा कि मैं मालिक बनूंगा नौकर नहीं बनूंगा, कुछ अलग काम करेंगे, और उनकी सोच थी अलग काम करने के लिए, इसलिए एक लक्ष्य बनाया, और जो लक्ष्य बनाया उसको चैलेंज के रूप में लिया, डू आर डाई करवा मारो, लेकिन उस लक्ष्य को उनको प्राप्त करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने लक्ष्य बनाया तो रास्ते एकदम खुले रहते हैं, ये मान के चलिए रास्ते में बहुत सी बाधाएं हैं, इस वजह से मान के चलिए, भले बाधाएं ना आए लेकिन ये मान के चलिए कि आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में बहुत से बनाकर बनाए। तो उन्होंने क्या किया, एक लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को चैलेंज कर दिया, एक चीज वो निकल के आएगा, दूसरा क्या निकल के आएगा, उनके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होती है, जोखिम लेने से घबराते हैं, उनके अंदर निकल के आएगा, उनके अंदर पेशेंस होती है, ये निकल के आएगा, वो अवसरों को पहचानते हैं, मौके का फायदा उठाने जानते हैं, सर मौके का फायदा उठाना जानते हैं। एक चीज और निकल के आएगा, उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है, आप देखिए उनके अंदर निकल के आएगा कंपटीशन की भावना होती है, जब आप देखिएगा तो निकल के आएगा उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जब आप ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सर्च करिएगा तो देखिएगा कि वो जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाया कि हमको क्या काम करना है, हमको क्या काम करना है, उनके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होगी कि वो रिस्क से घबराते नहीं है, जोखिम से घबराते नहीं, उनके अंदर पेशेंस होता है, चाहे जितनी भी दिक्कत आ जाए वो अपने लक्ष्य से हटेंगे नहीं, लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, बाधाओं से घबराएंगे नहीं, वो किसी से कंपटीशन करने की उनके अंदर क्षमता होती है, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो उसे आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये भी निकल के आएगा कि वो 18 घंटे 19 घंटे 16 घंटे मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर आपको अपना कोई विरासत करना है, अपना कुछ नया काम करना है तो आपको 18 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। जब 18 घंटे आप मेहनत करेंगे जीवन में सफल होंगे। एक बहुत बड़े उद्योगपति से हमारी एक बार चर्चा हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि जब मैं फैक्ट्री स्टार्ट किया तो जिस समय आज का माहौल है ऐसा माहौल नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं थी, एक बहुत इंटीरियर एरिया में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट किया और कहते थे फैक्ट्री में जब रात कब रात हो गई कब से मेरा हो गया पता नहीं,
वो आदमी आज बहुत बड़ा हो सकती है। ऐसे व्यक्तित्व निकल के आएंगे, ऐसे गुण निकल के आएंगे बड़ी पर्सनैलिटी। अब आप देखिए ये जो गुण है वो आपकी कहानी में, जो आपने अपने बारे में निबंध लिखा वो है कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो आप सफल हो जाते। अब सफल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर सफलता के जो गुण होते हैं वो चीज़ नहीं है। जो बड़ी पर्सनैलिटी जो शून्य से आगे बढ़े वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, होती तो आप फिर आपको हमारे लेक्चर सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप आगे बढ़ जाते। फिर हम आपके गुणों को अपने लेक्चर में डालते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा खांसी आ रही है, माफ करिएगा। तो अब आपके समझ में आ गया कि आपके अंदर इन गुणों की कमी थी जिसकी हमने चर्चा किया। जो बड़े उद्योगपति के खास गुण होते हैं वो आपके अंदर नहीं थी, या बड़ी पर्सनालिटी जो बहुत शून्य से शिखर पे पहुंच गए उनके अंदर जो गुण था वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप सफल नहीं हो पाए, आप भटक रहे हैं। अब आपके अंदर वो गुण कैसे आए? एक तो तरीका होता है जो गार्जियन हमारी बातों को सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को दर्जा पास से ही शुरू कर दें, कुछ ऐसा चीज़ ढालने के लिए। तो नॉर्मल लोग डिसाइड करते हैं 18 साल 20 साल में जब हो जाते हैं सोचते हैं जीवन में क्या करें, उसका सबसे बढ़िया और उस समय आपका अपना एक व्यक्तित्व हो जाता है जिसको चेंज करने में दिक्कत होती है, लेकिन प्रयास करते तो भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप लड़का जब 10-12 साल का हो गया आप उसके अंदर ही ढाल लिए, हाई स्कूल के पहले ही है उसके अंदर आप ढाल दिए कि तुमको ऐसा ऐसा ये काम करना है आगे बढ़ के, वो जीवन के क्षेत्र में सफल हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो गार्जियन हमारी इस बात को जरूर ध्यान दें, शुरू से बचपन से बच्चों के अंदर कुछ नया करने की आदत डालनी चाहिए। जो नया करने की जिसकी आदत होती है वो जीवन के क्षेत्र में बहुत सफल हो जाता है। बचपन में बच्चे के अंदर आ जाएगा हम लोगों से हट कर कुछ काम करता था, नया कुछ काम करें, नया काम करना, अब ऐसा काम कुछ करके दिखा दिए जो समाज के 90% लोग नहीं कर पाए, तो आप जीवन के क्षेत्र में आगे। जो लोग हमारा लेक्चर ये सुन रहे हैं वो लोग, वो बेरोजगार बच्चों से को मैं सलाह देता हूँ, अनुरोध भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप सफल होंगे तो हमको खुशी होगी। कुछ नया करने की अलग अपने अंदर रखिए, कुछ हट के काम करिए, कुछ नया करिए, कुछ नया करने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। अब आपने, मैं बता रहा था पीछे जाइए, हम बता रहे थे कि आपने देखा कि जो सफल होने वाले लोगों के गया था शून्य से जो शिखर पे पहुंचे वो गुण आपके अंदर, उनके गुणों को आपने ऑब्जर्व किया और देखा कि वो गुण जिसकी हमने चर्चा भी थोड़ी किया है, वो गुण आपके ने जो अपना निबंध बनाया और जिसमें अब यह आपने बारे में लिखा उसमें वो चीज़ नहीं दिखा, इसलिए आप सफल नहीं हुए। अब प्रश्न ये है कि आप सफल तभी होंगे जो जब वो गुण आपके अंदर ढाला जाएगा, वो गुण जब आपके अंदर ढाला जाएगा। वो ढाला कैसे जाएगा? ढालना तो आपको है, कोई वो चीज तो है नहीं, लोहा वो तो है नहीं जैसा हम चाहेंगे उसको गला के ढाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरे रूप में कहेंगे अपने को भी उस गुणों को, सफल व्यक्तियों के गुणों को अपने को भी उसी तरह गलाना पड़ेगा, अर्थात ढालना पड़ेगा। उसका मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, कोई बताएगा नहीं, इसको याद रखिएगा। आप रोज एक कहानी लिखिए, कहानी लिखते समय आप एकांत में रहिएगा और आप जब कोई कहानी लिखिए, एक सफल व्यक्ति का आप कहानी लिखिए रोज, और प्रयास करिए कि जो सफल व्यक्ति के गुण हैं जो अभी हमने चर्चा किया वो सारे गुण उसके अंदर आए। आप एकांत में लिखिए और उसको फिर रख दीजिए, 2-3 घंटे बाद फिर चेक करिए कि हमने क्या लिखा। 3 घंटे बाद उसको चेक करिए, अकेले में चेक करिए, ऐसा लगातार 3 महीने करिए
ये एक सज मैं आपको दे रहा हूँ, बेरोजगार युवक अपनी बेरोजगारी दूर करने के पहले, उद्योग ऑफिस से जाने के पहले पहले ये चीज़ चेक करें अपने अंदर, अपने अंदर सफल व्यक्ति के गुण को ढालें, फिर आप बैंक और जिला उद्योग केंद्र उद्योग ऑफिस के पास जाएं। तो एकांत में लिखें और एकांत में अपने को चेक करें। मैंने क्या बताया, एकांत में लिखें और एकांत को अपने में चेक करें। तो जब आप चेक करिएगा कंटिन्यूअस 3 महीने, ये काम करना है। एक चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा, थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयास करिएगा, जो भी कहानी लिखिए पिछली कहानी से थोड़ा अंतर। ऐसा नहीं है कि इसी ठंडे में लिख लीजिएगा कि हमारे अंदर ये होना चाहिए, हमारी क्षमता होनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति का के बारे में लिखिएगा, लिखने में आसान है, ये इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, एक आध घंटा लगेगा, बहुत सोच सोच लिखना पड़ेगा। तो आप, हमने क्या बताया, आप रोज एक सफल व्यक्ति की कहानी लिखिए, एकांत में लिखिए, समय दे के लिखिए, जल्दी में ना लिखिएगा, और फिर उसको आराम से चेक करें। लगातार 3 महीने लिखना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप चले गए बीच में, कहीं रिलेशन क्या चले गए, कहीं और चले गए। इस 3 महीने आपको अपने घर पर रहकर इस एक्सरसाइज को करने हैं। जब आप 3 महीने इस एक्सरसाइज को करेंगे, और हमने एक चीज और बताया, हर कहानी दूसरे कहानी से अंतर होना चाहिए, इसको याद रखिए, हर कहानी दूसरे कहानी से अंतर होना चाहिए। तो 3 महीने बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि सफल व्यक्तियों का वो गुण तो मेरा अपना ही गुण है। आपको अपने अंदर ये लगने लगेगा, अरे ये सारे गुण तो हमारे अंदर है। फिर आपको अंदर से ऐसा कुछ काटने लगेगा, अरे मैं अभी तक सफल नहीं हुआ, अरे मैं ये क्षमता कर सकता हूँ, मैं जोखिम ले सकता हूँ, मैं कुछ नया काम कर सकता हूँ, मैं मालिक बन सकता हूँ, मैं नौकर नहीं बन सकता, मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। और जब ये गुण आपके अंदर आ जाएगा, तब आप जो है उद्योग ऑफिस और बैंक जाइए और पता लगाइए कि कौन सा हम काम करें, उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करें। तो आप ऐसा, आपका पहला स्टेप हो गया कि आपके अंदर जो सफल व्यक्तियों के गुण हैं, जो शून्य से शिखर पर पहुंचे, वो आपके अंदर मैक्सिमम गुण आ गए, क्योंकि वो गुण आना जरूरी है। अब इसको थोड़ा मैं अलग से भी आपको समझा दे रहा हूँ, अभी हमने शॉर्ट पे समझाया सफल व्यक्ति के जो गुण होते हैं, इसी को सफलता का सूत्र भी कहते हैं, जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। हमने चर्चा किया है उसको, बहुत इसको एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा, गार्जियन और बेरोजगार युवक जरूर ध्यान दें, और जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो गुण गार्जियन अपने बच्चों के अंदर ढाल लिए तो जीवन में वो कुछ नया काम जरूर करेगा। ये मेरा ये लेक्चर गार्जियन और बच्चे दोनों के लिए है। पहला हमने बताया, जीवन में अगर सफल होना है तो आपका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। आज के बेरोजगार जो युवक हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका लक्ष्य डिसाइड नहीं होता है। बीए में एडमिशन लेने गए, इंटर पास किए, यूनिवर्सिटी में गए बीए में एडमिशन लेने, एंशियंट हिस्ट्री ले लिए, मॉडर्न हिस्ट्री ले लिए, मनोविज्ञान ले लिए। मैंने एक बच्चे पूछा, मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहा, पढ़ना था यार इसलिए पढ़ लिया, उन्होंने ये जवाब दिया। ये कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो मनोविज्ञान लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लेना है तो आपको कुछ नया करना है, राजनीति पे जाना है, या पॉलिटिकल देश के राजनीति के बारे में आप अनुभव रखते हैं तो अनुभव रखना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, या आपको लगे कि इससे ये कंपटीशन में सफल हो सकते हैं तब हो सकते हैं। कहने का मतलब ये, जो भी काम करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपका एक भी गलत निर्णय आपको फेलियर की दिशा में ले जाएगा।
प्लानिंग ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। सारे कार्यजन इस बात को सुने, बेरोजगारियों भी इस बात को सुने, आपकी प्लानिंग अगर गलत है तो आपको जीवन में सफल नहीं होने देंगे। इंटर में अगर आपने विज्ञान लिया है तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आगे मैं क्या काम करूँ, बिना सोचे नहीं कि मेरा दोस्त इस सब्जेक्ट से पढ़ा इसलिए हम इस सब्जेक्ट से पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। हर काम के पीछे उद्देश्य जो सफल उद्देश्य छुपा होता है, और अगर आप बिना उद्देश्य का काम करते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं। इस बात को याद रखिएगा, कोई भी काम करें तो उस काम के पीछे कोई पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए। आपको कौन सा आपको जो है कार्य करना है और क्यों करना है उससे हमारे क्या फर्क है, ये दिमाग में बैठाएंगे। कौन सा कार्य करना है, क्या कार्य करना है और उससे हमको क्या फायदा। तो मैंने क्या बताया, सफलता के सूत्र पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सफल व्यक्तियों की पहचान क्या होती है, उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है। वो जो लक्ष्य का निर्धारण करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। जैसे मैंने ये सोचा पढ़ने के बाद कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, ठीक है, आईएएस बनना बड़ी अच्छी बात है, आप कैरेक्टर बन जाइए, भारत की सबसे बड़ी नौकरी है, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन कलेक्टर बनने के लिए आपके अंदर विद्वता होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरी कंट्रोल होना चाहिए, देश और दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और हर काम के लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ 14-15 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस बने और चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में आईएएस बने, आईपीएस बने, जो आज 16 घंटे मेहनत करता हुई जीवन में आगे बढ़ता है। तो आपने सोचा हम आईएएस बन जाएंगे, तो संसार आपकी तैयारी होनी चाहिए, केवल एग्जाम देने से आईएएस नहीं बन जाएंगे। मैं एक बार लखनऊ में अपने हॉस्टल में जहाँ मैं रहता था वहाँ था, मेरे एक मित्र ने कहा कि कुछ लोग बाहर से आएंगे उनको आप अपने यहाँ ठिका दीजिए, एग्जाम देने आएंगे। हमने कहा भाई ठीक है, मैं अकेले रहता हूँ, परिवार मेरा घर पे रहता है, तो हमने कहा ये मेरा ठीक है, कमरा खाली रहता है, बच्चे आए एग्जाम देने। हमने पूछा क्या एग्जाम देने आए, उन्होंने बताया हम ये एग्जाम देने आए हैं। हमने कहा तैयारी बढ़िया है, 100% तैयारी है, चैलेंज है, क्या सब देने आए हैं, सबके मुँह सूख गए, मतलब आपकी तैयारी नहीं थी और आप एग्जाम देने आए, इसका मतलब आपने लक्ष्य बनाया नहीं था। गार्जियन का आपने पैसा बर्बाद किया, एग्जाम तब दीजिए जब आपकी पूरी तैयारी हो, ये तो एक आदत बन जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा शिक्षा मैं दे रहा हूँ, नहीं तो ये आदत बन जाएगी कि जाकर एग्जाम फार्म भरना और एग्जाम देना। तो मैं क्या बता रहा था, कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए। जीवन में सफल होना है तो कुछ नया करने की सफल होना चाहिए। उसके बाद मैंने चर्चा किया क्या किया, जोखिम आपके अंदर तीसरा बहुत बड़ा क्वालिटी के बारे में हमने चर्चा किया, आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नो रिस्क नो गेन, किसी विद्वान ने क्या बताया है, नो रिस्क नो गेन, बिना रिस्क कोई रिस्क का कुछ प्राप्त नहीं होता है, बिना रिस्क का कुछ प्राप्त नहीं होता, नो रिस्क नो गेन। मैं यहाँ जोखिम लेने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब थोड़े कह रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई में छलांग लगा दीजिए सफल हो जाइएगा, ये नहीं कह रहे कि आप अपने छत से कूद जाइए, ये मैं नहीं कह रहा। जोखिम लेना मतलब जिसकी लगाम आपके कंट्रोल में, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व हो जाता है। जो काम बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, आप उस काम को करने जा रही है, जोखिम बड़ा काम है, लेकिन जिसने हिम्मत रखा वो आगे बढ़ गया। क्योंकि जो बड़े लोग काम किए उसके पहले भी कैसे बहुत लोग काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया, उनसे कंपटीशन किया और आगे बढ़ गया। लेकिन इसको याद रखिएगा, जोखिम ऐसा लेना चाहिए जिसकी लगाम आपके हाथ, ऐसा जोखिम लेना चाहिए, जोखिम ऐसा लेना चाहिए जिसकी लगाम आपके हाथ, मतलब बहुत बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए,
बहुत बड़ा जोखिम लेने वाले को हम लोग जुआड़ी कहते हैं। जैसे आप लॉटरी खेल रहे हैं तो लॉटरी तो भाग्य पे ही भरोसा होता है ना भाई, आपका भाग्य बढ़िया था तो आपको 2 लाख रुपये मिल गए और नहीं तो फिर पैसा है भाग, ये तो भाग्य वाली चीज़ है। जो उद्यमी व्यक्ति होता है, जो सफल व्यक्ति होता है, वह भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे जीता है। ये जान लीजिए धीरूभाई अंबानी भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे मेहनत किए तो उन्होंने बहुत बड़ी विरासत खाई। जो लोग सफल होते हैं वो लोग कर्म करते हैं। जो कर्म करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। मेरी बात को याद रखिए, भाग के भरोसे आदमी आगे नहीं बढ़ता है। अरे मान लीजिए आपने भाग के भरोसे काम शुरू किया, सबके पीछे बजरंगबली थोड़े खड़े रहते हैं। वो तो एक आध होते हैं जो घर खोदे या कहीं अपना खेत को नीचे खोद रहे थे, सोने की घड़े मिल गई, खजाना मिल गया, तो एक आध को मिलता है, सबको नहीं मिलता है ना। तो खजाना खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए, खजाना बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो सफल होना है तो आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। भाई क्वांटिटी मैंने बताया, इसको याद रखिए, नो रिस्क नो गेन। सोले का डलर गब्बर सिंह ने क्या कहा, जो डर गया सो मर गया। जो जोखिम नहीं ले सकता वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क लेना चाहिए लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, नपा तुला रिस्क लेना चाहिए। ऐसा रिस्क लेना चाहिए जिसकी लगाम आपके हाथ में हो, अगर आपको जीवन के क्षेत्र में सफल होना है। जीवन के क्षेत्र में सफल होना है तो लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। तो पहला हमने क्या गुण बताया, अगर आपको सफल होना है तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, वो चैलेंजिंग लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को चैलेंज के रूप में लेना है। दूसरा हमने क्या बताया, आपके अंदर कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए। आप कुछ नया काम करके दिखा दें, कुछ नया कार्य करें, लोगों से हट के कार्य करें, और लोगों से जब हट के कार्य करते हैं तो वो जोखिम भरा होता है, तीनों चीन मिला हुआ है। आपने अपना लक्ष्य बनाया, वो लक्ष्य आपको कैसा बनाना है, कुछ नया काम करना है और जोखिम से घबराना नहीं। कुछ भी नया काम करेंगे तो जोखिम भरा, क्योंकि जो लोग काम पहले कर रहे हैं वही आप काम करेंगे तो उसमें कैसे भरोगे। मान लीजिए किसी गांव में 4 किराने की दुकान है और आप भी गए किराने की दुकान खोलने, तो बैंक मैनेजर कहेगा कि सरकार का पैसा बर्बाद करोगे, तुम लकड़ी का व्यापार करो, तुम कपड़े का व्यापार करो, तो हट के काम करना है। वो काम जो लोग वहां नहीं कर रहे उस काम को आप करेंगे। एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि क्लस्टर एरिया को दूसरे क्लस्टर, मान लीजिए कोई क्लस्टर एरिया है जहां पे एक ही प्रकार के कारीगर मिलते हैं तो क्या दूसरे एरिया में वो क्लस्टर बनाया जा सकता नहीं है, क्यों नहीं बना सकता, थोड़ा कठिन काम है लेकिन हो सकता है। आप वहां के सारे बेरोजगार युवक को ट्रेंड करें, उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग दें और वो चीज़ डेवलप करें, उनकी मार्केटिंग कर लेंगे, धीरे धीरे वो क्लस्टर डेवलप हो जाएगा। हर चीज़ को किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि हम इस काम को करेंगे इस काम को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 2 मिनट आपका जल जरूरी है, बोलने से प्यास लगती है। बोलने से प्यास लगती है, पानी पीना जरूरी है, आप भी लोग जल पी लें। तो मैं क्या बताया, सफलता के सूत्र पे मैं चर्चा कर रहा था। नंबर 1 जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 2 हमने क्या बताया, नंबर 1 हमने बताया आपका एक चैलेंजिंग लक्ष्य आप बनाइए। लक्ष्य बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गए और वो फेल हो गए तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, उन्होंने बड़ी सोच समझ कर, बहुत ही सोच समझ कर प्लानिंग नहीं किया था। प्लानर जिसका निर्णय, प्लानर जो सही प्लानर होता है कभी फेल नहीं होता है, याद रखिए। आपका पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है,
आपको राइस मिल बनाना है, राइस मिल लगाना है, तो आप पूरा उसके बारे में छान लीजिए। राइस मिल बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, मार्केट क्या है, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, मशीनें कहाँ से मिलेंगी, इसके लेबर कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों तब आप राइस मिल के बारे में सोचिए। प्लानिंग आपकी ओर से होनी चाहिए, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो काम बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बहुत सोच समझ करना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण, और निर्धारण कर लिया तो उसको चैलेंज के रूप में लीजिए, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आजमा के देखिएगा, मुझे फोन करिएगा, सफल हो जाएगा, निश्चित आप सफल होंगे। जीवन में अगर आप कुछ नया करने को ठान लिए तो निश्चित सफल, सफल ना व्यक्ति तो कुछ नया करता है, कुछ लोगों से हट के काम करता है। आज देखिए अनिल अंबानी साहब एशिया के प्रतिष्ठित उद्योगपति हो गए, वर्ल्ड के प्रतिष्ठित उद्योगपति है, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटीज है, उनके बच्चों के अंदर भी ये क्वालिटीज है, इसलिए वो आगे बढ़े। हमारे भारत में ऐसे ऐसे प्रेरणादायक पुरुष हैं, आप उनसे प्रेरणा लिखिए। सर मैं मुकेश अंबानी साहब की चर्चा कर रहा था, हम चर्चा मुकेश अंबानी साहब की, मुकेश अंबानी साहब बहुत आगे बढ़े, अपने फादर की विरासत को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। उनका लेक्चर सुनिए, उनके लेक्चर में उद्यमिता झलकती है, कुछ नया करने की उनकी सोच होती है, और उनके बच्चों तीनों बच्चों में भी वही सारी प्रैक्टिस है। ऐसी सोच आपको अपना बनाना है, इसलिए आपको आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसी सोच वाले जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब हम तीन क्वालिटीज के बारे में बताया, चौथा बताने जा रहे हैं, जो सफल व्यक्ति होता है वो कंपटीशन की भावना होती है उसके अंदर, कंपटीशन की भावना, कंपटीशन की भावना मतलब हमेशा हम दूसरों से आगे बढ़ जाए, सफलता का वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखिएगा, हम दूसरों से आगे बढ़ जाए, मेहनत करके आगे बढ़े, प्रयास करके आगे बढ़े। आजकल लोग जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनसे जलते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए, जलने वालों को जला करें, क्या फर्क पड़ता है। जो आदमी बहुत आगे बढ़ा आप देखिए उसके अंदर क्या गुण है, वो आगे बढ़ गया, उसको अपने अंदर ढालिए, आपके अंदर भी वो गुण आ जाएगा, आप आगे बढ़ जाएगा। हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने को सोचिए, दूसरों से हमेशा आगे बढ़ने चाहिए, और दूसरों से भी किससे आगे बढ़ने का प्रयास करें, अब प्रयास करना चाहिए जो आपके क्षेत्र आप जो भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो टॉप का हो उससे कंपटीशन, कभी नीचे वाले से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो जो टॉपर है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, टॉपर से कंपटीशन करिएगा तो आप टॉपर के बराबर नहीं पहुंचेगा, थोड़ा नीचे रहिएगा, टॉपर के थोड़ा नीचे रहना भी टॉपर कहलाता है। एक तो मैंने ये बताया कि आपके अंदर कंपटीशन करने की गुण होना चाहिए, दूसरा क्या मैं बता रहा हूं, कंपटीशन करने का गुण होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर कंपटीशन किससे करें, कंपटीशन आपके क्षेत्र में जो सफलतम व्यक्ति है उससे कंपटीशन करना चाहिए, उससे कंपटीशन करना चाहिए, तब आप सकते। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, जो आपके क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति है उससे कंपटीशन, जो आपके क्षेत्र में सफल है उससे कंपटीशन करिए तो आप भी सफल होंगे। तो चौथा गुण हमने क्या बताया कि कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। अब यहां में एक चर्चा और कर रहे हैं, कंपटीशन दो प्रकार से करते हैं, एक तो स्वयं से करते हैं, एक दूसरों से करते हैं। आज आप काउंटर में बैठकर 1000 कमाए तो आप ये सोचिए, या दौड़ भाग कर 1000 रुपया कमाए, मेहनत करके 1000 कमाए, तो ये आपके दिमाग में आएगा कि कल मैं, आप ये सोचिए कि कल मैं, आप मुझे 1500 कमाना है, 1200 कमाना है, 1000 एक ही कमाना है, एक कल से मुझे ज्यादा कमाना है।
अगर ये सोच होगी इसका मतलब आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं। जो अपने आप से कंपटीशन करता है वो जीवन के क्षेत्र में सफल होता है। कंपटीशन दो प्रकार का होता है, अपने आप से कंपटीशन करना और दूसरों से कंपटीशन। कई बात समझ आ रही है? याद रखिए अगर दूसरों से कंपटीशन नहीं करते अपने आप से भी करते हैं। अगर मैं हाई स्कूल में 80% पाया तो मुझे इंटर में 90% पाना चाहिए, ये अपने आप से कंपटीशन करना। अब दूसरों में किससे कंपटीशन? हमने अभी बताया है कि दूसरों मतलब जो आपके क्षेत्र में टॉप का हो उससे कंपटीशन करना चाहिए। जैसे आप पेन की इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो जो पेन के लाइन में जो सफलतम उद्योगपति है उसका उसको आप टक्कर देने का प्रयास करिए, तब आप सफल होंगे। ये नहीं पेन बनाया मार्केट में बेचने लगे। आप सोचिए पहले ये सर्च करिए कि कौन हम जो काम कर रहे हैं उस काम को और कितने लोग कर रहे हैं और उसको कंपटीशन देने का। एक हम बहुत बढ़िया सूत्र बता रहे हैं, सारे बेरोजगार और उद्योगपति बिजनेस मैन भी याद रख सकते हैं दूसरों से आगे बढ़ने का। रीजनेबल रेट बेस्ट क्वालिटी, सस्ता और बढ़िया प्रोडक्ट दीजिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफल। आप सस्ता दीजिए और बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए, प्रॉफिट को लेस कर दीजिए, कंपटीशन में आगे बढ़ना है, आप सफल। इसको जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो भी लोग इस फार्मूले को अपना सकते हैं, सस्ता और बढ़िया प्रोडक्ट। बिजनेसमैन में बिजनेस या व्यापार में क्वालिटी तो कभी समझौता नहीं करना चाहिए। क्वालिटी समझौता जो करता है तो छीट कर बेचते हैं, वो कहाँ, वो तो आज किसी को बेवकूफ बना दिया फिर दूसरा आदमी दूसरे बार उसके हाथ ग्राहक नहीं। टाटा साहब जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं लोग आगमत क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। अंबानी साहब के प्रोडक्ट के लोग आगमत क्यों लेते, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। बजाज के प्रोडक्ट के लोग क्यों खरीदते, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो रीजनेबल रेट बेस्ट क्वालिटी अगर मार्केट में कंपटीशन करना है। और नए लोग को भी मैं एक नया सलाह देना जा रहा हूं, सफल होना है नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर आप काम कर दीजिए आप मार्केट में कंपटीशन पे आ जाइएगा। ना कुछ आया ना कुछ गया, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को चैलेंज करिए। ये फार्मूले को आप अपना लीजिए, नए व्यक्ति को मैं सलाह दे रहा हूँ, नए बेरोजगार युवक जो इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं उनको मैं ये सलाह दे रहा हूँ। ना आया ना गया, नो प्रॉफिट नो लॉस बैलेंस रहा। साल भर ऐसा करिए, मार्केट में जब आप अपने को लॉन्च कर लीजिएगा फिर आप अपने प्रोडक्ट के पहलू बढ़ा दीजिए, आप प्रॉफिट आने लगेगा। ना घर से कुछ गया और ना कुछ ना घर से कुछ गया न बाहर से आया, नो प्रॉफिट नो लॉस, सफलता के लिए गुण है। तो कंपटीशन की भावना हमें चाहिए। कंपटीशन कैसे करते हैं हम आपको उदाहरण से समझाएं। जिसके अंदर कंपटीशन करने का गुण होता है वो जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। कंपटीशन की भावना, कभी कंपटीशन रुकना नहीं चाहिए। कंपटीशन तो एक ऐसा शब्द है जिस विद्वान ने बनाया है कि जिसके अंदर ये गुण है वो बेरोजगार होगा नहीं, वो भूखा रहेगा नहीं, वो आगे लगातार आगे बढ़ता जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता। अपने बच्चे के अंदर डालिए कि जीवन में सफल होना है, चाहे आप मिशन लाइफ में जाओ पढ़ाई कर रहे हो नौकरी कर रहे हो नौकरी खोज रहे हो, आगे बढ़े हो, कंपटीशन की भावना हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने का प्रयास। आप अपने आप से ही कंपटीशन करते हैं तब भी आप आगे बढ़ जाते हैं। कि हम तो यहाँ बता रहे हैं कि बहुत शिखर पहुँचे, शिखर पहुंचने के लिए अपने आप और दूसरों से कंपटीशन करिए। अगर आपको सफल होना तो अपने आप से कंपटीशन करिए और दूसरे, तो आप जीवन के क्षेत्र में सफल हो जाए। जीवन के क्षेत्र में सफल होने का ये गुण होता है। तो पहला हमने क्या बताया, याद करिए आप लोग, पहला क्या बताया कि आपके अंदर अगर जो सफल व्यक्ति है उसका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। निश्चित लक्ष्य मतलब एक लक्ष्य, दो नाव पे नाव पैर रखने वाली नाव डूब जाती है, इसको याद रखिएगा। एक लक्ष्य बनाइए और चैलेंज के रूप में लीजिए,
आपके अंदर कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। जीवन में अगर आपको सफल बनाया तो पांचों पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जब भी आप कुछ नया काम करते हैं तो रास्ते में बाधाएं बहुत आती हैं, बाधाएं घर से भी आ सकती हैं, बाहर से भी आ सकती हैं। आपने कहा ये काम करेंगे, आपके गार्जियन की भी कहेंगे कि नहीं बेटा ये काम में रिस्क होता है, मतलब तो आपको अपने गार्जियन को कन्विंस करना होगा। गार्जियन पैर नहीं खींचते, गार्जियन समझाते हैं कि बेटा ये काम जोखिम भरा है मत करो। तो आप समझाइए कि पापा मैं जोखिम ले सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, घर में संतुष्ट कर ले सकता हूँ। जब आपके घर के लोग आपकी क्षमता को पहचान लेंगे तो हर गार्जियन अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। दूसरा बाधा क्या आता है बाहर में, बहुत लोग सोचते हैं यार ये आदमी मेरे लाइन में आ गया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बहुत लोग घबरा के सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने वाला आदमी तो कमजोर व्यक्ति होता है। आपको लड़ना है जीवन से, परिस्थिति से लड़ना है, माहौल से लड़ना है, उसलिए जीवन में आगे। आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, आप चले गए कहीं बाहर, वहाँ देखिए माहौल खराब है, पर हर तरह से आप पर दबाव पड़ रहा है, लेकिन आपको कीचड़ में कमल की तरह खेलना है। भगवान ने कमल का फूल बनाया और कीचड़ में पैदा होता है, इसलिए भगवान ने क्या आपको शिक्षा दिया कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब हो, आपको कमल की तरह खिलना है। अगर गुलाब का फूल बनना है तो चारों तरफ कांटे हैं, गुलाब के फूल चारों तरफ कांटे में ही, गुलाब के फूल के चारों तरफ कांटे होते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं, परमपिता परमेश्वर क्या शिक्षा दे रहे हैं, सॉरी परमपिता परमेश्वर आपको शिक्षा क्या दे रहे हैं कि आपको गुलाबी फूल की तरह खूबसूरत और सुगंधित सुगंध देना है तो कांटों के बीच तो आपको खिलना पड़ेगा। चारों तरफ कांटे हैं, आपको उसी में से उनसे फाइट करके उनसे उस माहौल में ही अपने आप को आगे बढ़ना है, परिस्थिति से घबराना नहीं। तो बाधाएं आएंगे दोस्तों, मित्रों, बेरोजगार बच्चों, बाधाएं आएंगे, बाधाओं से जो घबराएगा नहीं वह जीवन में सफल होगा, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं पेशेंस होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है वही जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वही लोग अक्सर सुसाइड भी कर लेते हैं। कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए, याद रखिए, हिम्मत ही नहीं करना चाहिए। बहुत परिस्थिति जैसी हो उस माहौल में अपने को डाल लीजिए। आगे पेशेंस मतलब धैर्य, घबराना नहीं चाहिए, बहुत हिम्मत रखना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। ये मान के चलिए दिक्कत आए, ये पहले से जब आप कुछ नया काम करते हैं तो मान के चलिए कि आप क्या, आपको दिक्कतें बहुत आएंगी, लोग दिक्कतें आएंगी, लोग दिक्कतें देंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। वही एग्जाम्पल कीचड़ में कमल की तरह खिलना है। अगर कमल का फूल ये देखता कीचड़ है तो खिलता कैसे, गुलाब का फूल ये देखता कि कांटे हैं तो फिर वो अपनी खूबसूरती कैसे, गुलाब का फूल कितना खूबसूरत फूल कांटों के बीच होता है। भगवान क्या बता रहे हैं, पेशेंस रखो। जीवन में सफल होना है तो पेशेंस रखो। परमपिता परमेश्वर क्या बता रहे हैं, पेशेंस रखिए। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो कर्म करता है। वेदों में भी लिखा हुआ है, आप देखिए, जो कर्म योगी होता है उसी की परमपिता परमेश्वर भी मदद करते हैं, नारायण भी मदद करते हैं, वाहेगुरु मदद करते हैं, ईश्वर अल्लाह मदद करते हैं। तो पेशेंस होना चाहिए, जिसके अंदर पेशेंस है वो जीवन के क्षेत्र में सफल होता है, आगे बढ़ता है। ब्लॉक से कभी घबराना नहीं है, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए दोस्तों। पेशेंस रखिए तो आपको आगे बढ़ जाएंगे। अब देख रहे हैं आप लोग के अंदर एक नया प्रफुल्लित आ गया। पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से याद कराते जाते हैं कि आप लोग भूलिए नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाए कि जीवन में सफल होना है तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बहुत सोच समझ कर बनाते हैं और लक्ष्य बनाने के बाद उसको चैलेंज कर लेते हैं। आपके अंदर कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए,
आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होगी, कैलकुलेटेड रिस्क, जोखिम मतलब नदी में कूदना नहीं मैं कह रहा हूँ, छत से छलांग लगाना मैं नहीं कह रहा हूँ, कुएं में छलांग लगाना मैं नहीं कह रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क ऐसा जोखिम लीजिए जिसकी लगाम आपके हाथ में हो, जिस पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जोखिम होना चाहिए, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी, किसी विद्वान ने बताया, याद रखिए, नो रिस्क नो गेन। जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, स्वयं से एवं दूसरे से, अपने आप से कंपटीशन करिए और दूसरों से कंपटीशन करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए और दूसरों से कंपटीशन करिए, और आपको सफल, दूसरों में किससे करेंगे जो आपके क्षेत्र में टॉप हो, दूसरों में नीचे वालों से कंपटीशन नहीं करेंगे, मतलब आप वासी पॉडिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप निर्मल से कंपटीशन करिएगा, सब एक्सेल से कंपटीशन करिएगा, किसी बंदर छाप वॉशिंग पाउडर से कंपटीशन मत करिएगा, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। पेशेंस होना चाहिए, हमने क्या बताया, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य है तो निश्चित आप आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, पेशेंस, घबराना नहीं चाहिए, ये आजकल यही प्रॉब्लम है, लोग पेशेंस लूज कर देते हैं, आप IAS अफसर बन गए या बहुत बड़ा अफसर बन गए, आप कहेंगे देखिए पॉलिटिकल दबाव हो रहा है तो लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, माहौल में अपने को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना सही बात है, उस माहौल से लड़ना और आगे बढ़ना है, कमल की फूल की तरह खिल जाना है, कीचड़ में कमल की तरह खिलना है, कांटों के बीच गुलाब का फूल खिलना है, याद रखिएगा, पेशेंस को लूज नहीं करना है, पेशेंस लूज हुआ जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंस, धैर्य कभी खोना नहीं है, हिम्मत कभी हारना नहीं, धैर्य पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, पेशेंस। नेक्स्ट क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूं, सफल व्यक्ति जो होता है उनको अवसरों को पहचानने की क्षमता, अवसर पहचानना, माहौल में बनाइए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट जी बताए, अवसर को पहचानिए कि आप जैसे किसी एरिया में आप कुछ काम करना है तो आप स्टडी करिए इस चीज में लोगों की जरूरत क्या है, और वो जरूरत के समान मिल रहे हैं तो क्वालिटी नहीं मिल रहे हैं, क्या चीज हम किसी एरिए में बना दें कि उस काम को रोक कर, जैसे बड़े बड़े जो न्यूज चैनल होते हैं या बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं, करते क्या है, जो नया माहौल होता है उसी के वीडियो बना लेते हैं और उसको वो वीडियो का वायरल हो जाता है, तो क्या होता है कि उनका जो प्रोप्राइटर होता है वो तो उद्यमी व्यक्ति होता है ना, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो मालिक होता है तो सफल व्यक्ति होता है ना, वो अवसर को पहचानता है, उसकी भी टीम होती है, अवसर को पहचानता है और फिर उस काम को कर देता है। माहौल क्या कह रहा है उस अनुसार आप काम नहीं उठाएंगे, जो इसके अंदर अवसर को पहचानने की क्षमता होती है वो जीवन के क्षेत्र में बहुत सफल हो जाते हैं, इसको याद रखिए, अवसरों को पहचानने की क्षमता होती है, आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, अगर आप सफल होना है, आप मोबाइल के इंडस्ट्री लगाए हैं, सस्ता बढ़िया मोबाइल लॉन्च कर दीजिए, देखिए आपकी मोबाइल कंपनी बढ़िया बिकेगी, हर आदमी आजकल मोबाइल चाहता है, स्मार्टफोन हर आदमी चाहता है, आप सस्ता स्मार्टफोन की इंडस्ट्री लगाइए, सस्ता और बढ़िया बना दीजिए, पहले साल आप नो प्रॉफिट नो लॉस से बनाइए, दूसरे साल से आप प्रॉफिट ले लीजिए, तीसरे साल और थोड़ा बना लीजिए, मार्केट तो आप लंच हो गया, अब देखिए लोगों की जरूरत क्या है, कभी कभी एकाएक भी माहौल बन जाता है, लोग इसकी इंडस्ट्री लगा देते हैं, तो हमेशा आंख और कान खुले रखिए, जो आंख और कान खुले रखता है उसके अंदर अवसर को पहचानने की क्षमता होती है, आँख और खान जिसके खुले रहते हैं उसके अंदर अवसर को पहचानने की क्षमता होती है, जो अवसर को पहचानता है वो जीवन के क्षेत्र में सफल होता है।
जो अवसर को पहचानता है वह जीवन के क्षेत्र में क्या होता है, सफल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? बहुत अच्छी बात बताया कि आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, मेरे जैसे कुछ एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। जीवन में सफल होना है तो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिएगा, राजन श्रीवास्तव के बताए हुए रास्ते पे चलिएगा तो आप निश्चित सफल होइएगा, याद रखिए। सफल होने के लिए सारे गुणों को अपने अंदर ढालना पड़ेगा। तो मैंने क्या क्या बताया, अगर आपको सफल होना है तो आपका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, बाधाओं से ब्लॉक से कभी घबराना नहीं है, एक तरह से पेशेंस ही। बाधाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, अवसर को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, एक चीज हम और भी इम्पोर्टेंट बताते हैं लोग, ये जरूरी है आपको स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा काम करते हैं तो आपको स्वस्थ रहना चाहिए, खान पीन पर कंट्रोल रखें, मॉर्निंग इवनिंग प्राणायाम जरूर करें, खान पीन पर भी कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर वर्कर के भरोसे फैक्ट्री नहीं चलती। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है सफलता के। स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। खान पीन पे निश्चित कंट्रोल रखिए, क्योंकि देखिएगा जो उत्तरी व्यक्तित्व होता है बड़ा स्मार्ट होता है, उसकी फिजिक्स सही होती है, स्वास्थ्य उसका सही होता है, क्योंकि उसको चिंता होती है कि मेरी इतनी बड़ी विरासत है उसको मुझे आगे बढ़ाना है। हमेशा अपने को टेंशन मुक्त रखने का भी प्रयास करें, पेशेंस आएंगे, सब मान लीजिए सब दिक्कतें आती हैं, पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, दिक्कतें आएंगी, पेशेंस आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मित्रों, बेरोजगार बच्चों, अगर ये सारे गुण आपके अंदर है तो उसका एक अच्छा परिणाम होता है, अर्थात आप सफल हो जाते हैं, अर्थात सफल होने के लिए ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए, यही सफलता के सूत्र है। शिखर पे पहुंचने के लिए, शिखर पे पहुंचने का यही तरीका है, शून्य से शिखर पे पहुंचने का यही तरीका है। अगर आप जीवन के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। तो आपने जो अपने अपने बारे में लिखा, हु एम आई, मैं कौन हूँ, आपके अंदर ये सारे गुण नहीं मौजूद थे। अगर आपको अपने अंदर सारे गुण, आपको सफल होना है तो आपके अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। उसका मैंने एक तरीका बताया, तरीका क्या बताया कि आप रोज एक कहानी लिखिए, कहानी का जो कैरेक्टर है, कहानी का जो मेन हीरो है, उसके अंदर ये सारे गुण मौजूद होना चाहिए। इस कहानी को आप लगातार आप एकांत में लिखिए और एकांत में चेक करिए, नंबर लगातार 3 महीने रखिए, लिखिए, हर कहानी दूसरे कहानी से थोड़ा भिन्न होनी चाहिए। ऐसा करने से ये आप महसूस करने लगेंगे ये सारे गुण आपके अंदर हैं। जब ये गुण आपके अंदर आ जाते हैं फिर आप आगे बढ़ेंगे, तब आप उद्योग ऑफिस और बैंक जाइए, सब आपको इंडस्ट्री लगाना है, आपके दिमाग में आ जाएगा हमको कुछ नया काम करना है। इन्हीं सारे गुण को हम उद्यमिता कहते हैं, और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको हम उद्यमी कहते हैं। मालिक बनिए, नौकर ना बनिए, आज राजन श्रीवास्तव आपको एडवाइस कर रहा है। देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी अगर लोग अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि मालिक बनिए बेरोजगार, मालिक बनिए नौकर बनने का प्रयास छोड़िए। हमारे चैनल के वीडियो देखते रहिएगा, हम इसमें डिफरेंट उद्योग के बारे में ही बताएंगे, सस्ता कम पैसे से कौन सी इंडस्ट्री लगाया जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें, आप कई वीडियो डालेंगे, कुछ आपके मनोरंजन के भी वीडियो पढ़ते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं।
हर आदमी के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आगे बढ़ना, जितने बड़े लोग थे उनके अंदर ये गुण था, इसलिए आगे बढ़ना। देखिए अंग्रेज, इंग्लैंड एक छोटी कंट्री है लेकिन लगभग वो पूरे विश्व में राज किया, क्योंकि उनके अंदर यही सारे गुण थे। छोटी कंट्री पूरे विश्व में राज किया, आपके यहाँ भी कई वर्षों तक उन्होंने आपको गुलाम बना रखा। तो अवसरों को पहचानने की क्षमता रखी, आगे बढ़े। एक चीज और हम बता रहे, दूरदर्शी होना चाहिए, गिदगी दृष्टि होनी चाहिए, बहुत दूर तक देखिए। इसको भी याद रखिएगा कि बहुत दूर तक देखना मतलब बहुत दूर तक सोचना, मतलब आगे क्या होना है उसके लिए आप आज से ही सतर्क हैं। हमेशा माहौल, आगे क्या माहौल होना है उस पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि कल कोई घटना हो सकती है और वो हो सकता है आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाले, उसके लिए आप आज से सतर्क रहिएगा तो कल आप फेल। ये सफलतम व्यक्ति की पहचान है दोस्तों, इस सारे गुण अगर आपके अंदर हैं तो जीवन के क्षेत्र में आप सफल अवश्य होइएगा, आगे बढ़िएगा, सफल जीवन के क्षेत्र में सफल होने के ये सारे गुण मैंने आपको आज बताया। आप अपने अंदर इसको ढालने का प्रयास करिए, आगे जब जिस दिन आपके अंदर वो सारे क्वालिटी ढल जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने की गुण होते हैं, आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये गुण अपने अंदर ढालिए। गार्जियन से अनुरोध है कि मेरे मैंने इन जो सफलतम व्यक्ति के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति के जो गुणों को बताया है वो अपने बच्चों में ढालने का प्रयास करें। अगर नौकरी भी करना चाहते हैं तब भी, अगर आप नौकरी क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में शिखर पर टॉप पर पहुँचता है उसके अंदर हिस्सा है, शिखर या टॉप पर पहुंचना है तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। तो सफलता के लिए ये क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए। अगर इसको आप बचपन के बच्चों के अंदर डाल दीजिएगा तो इससे बड़ी बात क्या है। स्कूल कॉलेजों से जो लोग मेरे बेटी को दे रहे हैं उसे मेरा अनुरोध है कि इस क्वालिटी को अपने अंदर भी ढालने का प्रयास करिए, निश्चित आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, निश्चित आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। सफल व्यक्ति की पहचान होती है सफलता के सूत्र। आगे भी हम कुछ नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लोगों को भी दिखाइएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखने से ही जानकारी होती है, बीच में आप काट दीजिएगा तो जानकारी नहीं होती। ध्यान से सुनिए और अपने अंदर इन गुणों को ढालने का प्रयास करिए। कोई भी प्लानिंग करें वो बहुत सोच समझ के, प्लानर अच्छा होना चाहिए, वेरी गुड प्लानर। जो बढ़िया प्लानर होता है वो जीवन के क्षेत्र में सफल होता है, अच्छा प्लानर होना चाहिए। जो भी प्लानर है वो जीवन के क्षेत्र में सफल। हमेशा प्लानर सफल होता है, अच्छा प्लानर बने। अपने एक एक मिनट समय का अपने लिए उपयोग करिए, उतनी स्वार्थी होता है। एक एक मिनट अपने लिए उपयोग करिए तब जीवन में आगे बढ़िए। समय बर्बाद मत करिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो समय निकल गया वो दोबारा आता नहीं है। समय को पहचानिए और समय से ही सारे कार्य को पूरा करिए, जीवन में सफल करना। तो परमात्मा का नाम लीजिए, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु का नाम लीजिए, इन सारे गुरुओं को अपने अंदर ढालन करिए, कुछ नया काम करिए, सफलतम व्यक्ति बनिए। यही मेरे आप सबसे आशा है, अनुरोध है, प्रार्थना है। एक बार फिर आपसे फिर अनुरोध है, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, इसको आप भूलिएगा नहीं। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगेंगी। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।